क्राइम रिपोर्टर सीरीज में आपका स्वागत है। मैं नीचे सरोज आई नजर डालता हूँ आज की कुछ खास खबरों पर। रिश्वतखोर तहसीलदार के लीडर को 4 साल की कैद। मध्य प्रदेश के जबलपुर के गोहलपुर तहसीलदार के रिश्वतखोर रेटर को लोकायुक्त के विशेष न्यायाधीश ने 4 साल की कैद की सजा सुनाई है। यह सजा रीडर द्वारा रिश्वत के रूप में 2000 रुपए लेते हुए लोकायुक्त पुलिस द्वारा रंगे हाथों पकड़ने पर सुनाई गई है। न्यायालय ने रीडर पर 2500 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। क्या मामला था? ये मामला था, इसमें शिकायतकर्ता थे गौरी शंकर यादव और इनके द्वारा अपने स्वयं के नाम पर और अपनी पत्नी के नाम पर नर्मदा नगर जौनपुर में 2 प्लाट लिए गए थे, जिनके नामांतरण की कार्रवाई के लिए इन्होंने तहसीलदार गोहलपुर के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसमें आदेश पारित करने के लिए तहसीलदार महोदय के द्वारा जो है आरोपी को निर्देशित कर दिया गया था, लेकिन आरोपी आदेश तैयार नहीं कर रहा था और उसके लिए शिकायतकर्ता गौरी शंकर यादव से 2000 रुपये की रिश्वत की राशि की मांग कर रहा था और ये गौरी शंकर जी 2000 रुपये राशि रिश्वत की देना नहीं चाहते थे। इसकी उन्होंने 27/1/17 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त जबलपुर को शिकायत की थी, जिसपे कार्रवाई की जाते हुए लोकायुक्त दल के द्वारा 30/1/17 को कलेक्ट्रेट परिसर में इनको आरोपी नरेंद्र सिंह परमार जो गोहलपुर तहसीलदार के सहायक ग्रेड 2 के पद पर सदस्य थे वहाँ पर इनको 2000 रुपये की रिश्वत राशि लेते हुए पकड़ा गया था, जिसमें आज न्यायालय ने इनको धारा 7, 13(1)(b), 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में 2 वर्ष के कारावास और 2500 रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया गया। जबलपुर से कदीर खान की एक रिपोर्ट।